लैब तरमीमी जो बिल का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाप्त होनी थी और दूसरी मरतबा इमरान खान साहब को लाइव लिंक पे लिया जाना था। केपीके के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जी ये मफादे आमा का केस है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर उनको वापस अपनी निशस्त पर बैठने का कह दिया कि ये मफादे आमा का केस नहीं है, ये एक तकनीकी नुक्ता है। फैसल करीम कुंडी साहब ने आज फरमाया है कि अगर उनके पास बटन है तो बटन तो एक मेरे पास भी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, मैं हूं यशवीन जमाल। आज के दिन की मेरा ख्याल है जो बड़ी एक हाईलाइट थी या जिसकी तरफ गाहें थी बहुत, वो यही थी कि जो नैब तरमीमी जो बिल का केस है वो सुप्रीम कोर्ट में उसकी समाप्त होनी थी और दूसरी मरतबा इमरान खान साहब को लाइव लिंक पे लिया जाना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बड़ी दिलचस्प हेयरिंग रही क्योंकि पहले जब केपीके के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जी ये मफादे आमा का केस है और क्योंकि इस केस की पहले प्रोसीडिंग लाइव होती रही है तो अभी भी लाइव जो है वो टेलीकास्ट होना चाहिए या फिर इसको लाइव स्ट्रीम कर दें यूट्यूब के ऊपर, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहकर उनको वापस अपनी निशस्त पर बैठने का कह दिया कि ये मफादे आमा का केस नहीं है, ये एक तकनीकी नुक्ता है जिस पर बहस हो रही है, तो उन्होंने कहा कि वो ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन जब जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्योंकि पहले होती रही है तो अभी भी होनी चाहिए, तो उसके ऊपर फिर वहाँ पर एक डिबेट हुई और आखिर में जो है वो 4-1 से ये फैसला आया। एक अतर मिनल्ला साहब का ख्याल था कि इसको लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए और बाकी जजेस जो हैं उनका ये ख्याल था कि लाइव टेलीकास्ट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर उसके बाद लाइव स्ट्रीम और टेलीकास्ट दोनों नहीं हुआ। इमरान खान साहब को लाइव लिंक पर लिया गया, उनसे पूछा गया कि दलाइल आप देंगे, आपके वकील देंगे, उन्होंने कहा जी कि बाकी वक्त वकील को दे दीजिए, आधा घंटा मुझे दे दीजिए। अपनी गुफ्तगू के अंदर इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम 9 मई की इंक्वायरी के लिए भी कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए, 8 मई को जो डाका पड़ा है उसके लिए भी कह रहे हैं, जो इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियां उन्होंने कहा जी कि मेरी जमात के बहुत से लोगों के साथ और मेरे साथ हो रही हैं, वो केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, तो उनको जल्द सुन लिया जाए। उसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ये मामला आज जो हम सुन रहे हैं वो नैब की जो का जो कानून है उसमें तरामीम का मामला है, ये वो मामला डिफरेंट हैं, वो उन पर आज हम बात नहीं करेंगे। अच्छा, इसी डिस्कशन के दौरान जहाँ पर वो थोड़ा सा नैब तरमीमी बिल के हवाले से भी बात हुई और उसके अंदर ये कुछ नुकात उठाए गए कि तरामीम को या जो इस तरह की लेजिस्लेशन है क्या कोर्ट उस पर बात कर सकती है कि नहीं कर सकती, क्या जो सज़ा का रिमांड का वो सारा वक्त है क्या वो इस्तेहकाक पार्लियामेंट का ही नहीं है कि पार्लियामेंट करे। उसके बाद ये भी कहा गया जी कि जो अपोजिशन में होते हैं उनके ऊपर नैब का कानून हमेशा लागू हो जाता है और जब घूमकर वही इक्तदार में आते हैं तो वो उससे बरी हो जाते हैं और दूसरों को जो है उसकी जद में ले आते हैं। नुकात के अंदर, रिमार्क्स के अंदर ये बात भी कही गई कि क्या जो उसकी तरमीम 9 है, 9A के अंदर जो तरमीम की गई है, क्या उससे नवाज शरीफ साहब को ये बेनिफिट नहीं हुआ कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जो अक्यूज्ड है उससे हटा दिया गया, तो बारे सबूत हटने से नवाज शरीफ साहब जो बरी हुए हैं, नवाज शरीफ साहब को उसका बड़ा फायदा हुआ है। तो पॉइंट कुछ उसी तरफ जा रही थी बात के क्या जो लोग हुकूमत में होते हैं वो अपने बेनिफिट के लिए उसको इस्तेमाल और दूसरों जो मुखालिफ हैं उनके खिलाफ क्या इसको इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा, इसी डिस्कशन के बीच में एक जगह पर शहबाज शरीफ साहब के कमेंट्स का जिक्र आ गया, जिसमें अभी उन्होंने जब नवाज शरीफ साहब 28 मई को सदर मुंतखब हुए अपनी जमात के तो वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए अदलिया के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा था जी कि कुछ काली भीड़ें हैं हमारी अदलिया में, तो उसके ऊपर भी जो है वो गुफ्तगू बीच में हुई, जहाँ पर जस्टिस मंदुखेल ने कहा जी कि जब हम उनकी मर्जी किसी की मर्जी का फैसला देते हैं तब हम अच्छे हो जाते हैं, जब हम उन्हीं की मर्जी के खिलाफ फैसला देते हैं तो फिर हम जो है वो काली भीड़ें हो जाते हैं। ये तो बड़ा पुराना वतीरा है सियासी जमातों का और ये हमेशा होता है। जैसे अतर मिनल्ला ने कहा जी कि कोई अगर काली भीड़ें नजर आती हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को अदलिया के अंदर तो उनको उन काली भीड़ों के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि हम काली भीड़ें नहीं हैं, हम काले भूंड हैं। और ये अतर मिनल्ला साहब का जो है वो रिमार्क था। और फिर उसके बाद जब अटॉर्नी जनरल ने आकर ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने जो हाजिर सर्विस जजेस हैं उनकी बात नहीं की, वो माजी के कुछ हवाले थे के हवाले से वो बात कर रहे थे और मकसद जो है वो मौजूदा जुडिशरी पर बात करना नहीं था, तो उस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये कहा कि ठीक है जी फिर अगर ये बात है तो हम प्राइम मिनिस्टर को शक का फायदा यानी बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो दे देते हैं। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये जो है वो आज की जो कुछ हेयरिंग या रिमार्क्स थे उसके अंदर एक ही बात तो हमने देखा कि रही, और यही रिमार्क्स है जिनके ऊपर हमने देखा कि बाद में भी बहुत ज़्यादा बात जो है वो की जा रही है कि आज एक तो ये भी जाहिर है बहस है कि जब बाकी सारा केस चल सकता है लाइव तो फिर एक जिस दिन इमरान खान की पेशी है उसी दिन लाइव क्यों नहीं जा सकता। जिस वकील ने ये पॉइंट रेज किया उस वकील को भी थोड़ा वही फर्मली कहा गया चीफ जस्टिस की तरफ से जी कि आप जाके बैठ जाएं और जो है वो इंटरफेयर ना करें ये जो प्रोसीडिंग है जो मामला है सारा के सारा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर वाली जो वाला जो नुकता है उसके ऊपर भी अब आपको पता है कि ऑपोजिशन की तरफ से बहुत ही कहा जा रहा है कि इस तरह के शक के फायदे हमें तो नहीं दिए जाते, हालांकि टेक्निकली स्पीकिंग
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं कोई ऐसा बंदा अभी सोच नहीं पा रही हूँ कि जिनको तौहीन अदालत में बुला के तो उनका कोई बड़ा नुकसान जो है वो हो गया हो, जबकि ऑन दी अदर हैंड तौहीन अदालत के मुकदमात जो है वो माजी में बहुत से लोगों पे चलते रहे हैं, बल्कि नून लीग के तो कुछ लोगों ने मुकदमात भुगते, तलाल चौधरी साहब हैं, निहाल हाशमी साहब है, जावेद लतीफ साहब है, तो ये तो वो लोग हैं कि जो बाकायदा इसके इसके इफेक्टिव हैं, उसकी वजह से केसेस वो इलेक्शन नहीं लड़ सके और कैद में भी रहे। तो जो तौहीन अदालत का मामला है वो तो बड़ा सवेरली दूसरों पे फॉल किया, बल्कि सेनेटर फैसल वाउडा की अभी मैं मिसाल ले लूँ, जब उनको तौहीन अदालत का पता चला कि उन पर उनको नोटिस इशू किया गया तो उन्होंने भी यही शिकायत की कि यहाँ तो बड़े बड़े लोग, वज़रा भी और अपोजिशन के लोग भी बैठ के बातें करते हैं, उनको तो कोई तौहीन अदालत में नहीं बुलाता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर बल्ले का निशान छिनने का मामला हो या दीगर और इशूज़ हों, पूरी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करके जो है वो एतराज़ात करते रहे हैं अदिया के ऊपर। तो मैं समझती हूँ कि किसी ने उनको भी अभी तक तौहीन अदालत में नहीं बुलाया, तो अगर प्राइम को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया गया है तो मेरा ख्याल है इस बात के ऊपर कोई बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो बनती नहीं है, जायज नहीं है। अच्छा, जो एक इंसिडेंट हुआ जो खाबर मानिका को जो वकला के साथ आमना सामना हुआ इद्दत वाले केस के अंदर, वो भी एक अलग मामला और माजरा है, मैं बात नहीं कर सकी उसके ऊपर आप लोगों के साथ, लेकिन जज जो है शाहरुख अर्जुमन, जिस दिन फैसला सुनाना होता है उस दिन का जो नॉर्मल टिपिकल तरीका कार होता है वो ये होता है कि जो सीनियर वकला होते हैं, बल्कि मेरी लतीफ खोसा और एक दो लोगों से और बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने मुंशियों को भेजते हैं कि आज तो कोई कार्रवाई नहीं है, जाएं जाके फैसला रिसीव करके ले आएँ। किस तरीके से किसी जज ने फैसला महफूज होने के बाद किसी कंप्लेनेंट को ये इजाज़त दी कि वो अपने एहसासात का, जो कि उन्होंने कहा मानिका साहब ने जी कि मैं अपने एहसासात का इजहार करना चाहता हूँ और मैं अपने वकील के जरिए, मेरा वकील मेरे एहसासात बयान नहीं कर सकता, वो मैं बयान कर सकता हूँ, तो क्यों ये इजाज़त दी गई, और फिर उसी कंप्लेनेंट के वकील के एतराज़, एक एतराज़ के ऊपर दोबारा, बल्कि उनकी पूरी टीम ने कहा जी कि आप बिल्कुल फैसला सुनाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं, तो उस पर शाहरुख अर्जुमन साहब ने कहा जी कि नहीं, अब मैं जो भी फैसला सुनाऊंगा वो मुतनाज़े हो जाएगा। और फिर एक खत हमने देखा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को लिख दिया जी कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता, उसके अंदर ये भी कहा कि खबर मानिका और उनके वकील ने मुतअद्दिद बार जो है वो रखना डालने की कोशिश की है कार्रवाई के अंदर कोर्ट की, तो आप जो है वो एक तो टाइम फिक्स करें, टाइम बार करें इस तरह के केसेस को, और दूसरा किसी और के कोर्ट में जो है ट्रांसफर करते हैं। लतीफ खोसा साहब का ये ख्याल है कि उसके ऊपर उनको जो है सरजनिश का सामना करना पड़ सकता है जो जज शाहरुख अर्जुमन ने, क्योंकि ये प्रोसीजर नहीं है, ऐसे होता नहीं है। तो अच्छा, एक तो उनकी बात सुनी, फिर खाबर मानिका साहब ने वहाँ पे कुछ इस तरह की इखलाक से गिरी गुफ्तगू की, बाहर निकले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वकला ने जो है उनको धर लिया, वो फुटेजेस और वीडियोज भी हम सब ने देखी हैं कि जिस तरीके से उनको वहाँ पर जो है वो मार पड़ी है। और मैं समझती हूँ कि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे केसेस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिनके ऊपर हम सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, हम सब में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो ये कहेंगे कि शर्मनाक हैं, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन शायद प्रॉबली इस मुल्क की तारीख में इतना शर्मनाक केस जो है वो कभी भी अदालत में नहीं गया होगा, जहाँ पर एक खातून की जो अपनी एक हुरमत है, एक सैंक्टिटी है, उसको वायलेट इस हद तक करने की कोशिश की गई हो एक ऐसे एक्स हस्बैंड की तरफ से, जो कि कितने सालों के बाद उनको ख्याल आता है कि जी मैंने जाके ये बताना है कि इस खातून की मेरे से तलाक के बाद इद्दत पूरी नहीं हुई थी। हम अगर ये केस का फैसला मानिका साहब के हक में आ जाता है तो इस मुल्क की औरतों का क्या मुस्तकबिल होगा, मैं ऑनेस्टली इस बात को समझने और कहने से कासिर हूँ। इट इज़ क्वाइट माइंड बॉगलिंग क्या हम कितना लो चले गए हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर। तो खबर मानिका साहब को मार पड़ी मुनासिब बात शायद नहीं है कहना, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो रवैया उन्होंने इतना टाइम रवा रखा है और फिर जिस तरह की जबान बताया जा रहा है कि उन्होंने इस्तेमाल की है, तो अल्टीमेटली फिर शायद इस तरह के मामला आपके यही कुछ हुआ करता है। बट पर्चा जो है वो कटवा दिया है मानिका साहब ने उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने उनको मारा है, शायद वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी किसी को, लेकिन जब जिससे भी पूछा उन्होंने कहा जी कि किसी को पुश करने की एक हद होती है, शायद हमारी वो हद जो है वो अबूर हो चुकी थी, वो पार हो चुकी थी, तो फिर ये बात जो है मामला जो है इस नौबत तक पहुंच गया, इस लहज तक पहुंचा। अच्छा, इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के 2 मजीद मुकदमात में बरी करार पाए हैं और उनके अंदर भी जो जज हैं उन्होंने यही कहा है जी कि कोई एविडेंस नहीं है, किसी किस्म का कोई सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं है टू प्रूव कि ये इन्होंने किया था या करवाया था, तो अदालत ये समझती है कि अदालत का वक्त जो है वो ज़ाया ना किया जाए। अब फिर सवाल ये आ जाता है कि जो प्रोसिक्यूशन है जिनसे ये तवक्को की जा रही है कि 9 मई का जो इतना बड़ा सानहा है उसके जो पीछे लोग कार फरमा हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, तो किस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है? अगर अदालत ये कहती है कि एविडेंस की कमी है तो केस कैसे बनाया? केस तो बनता ही एविडेंस की बुनियाद पर है, तो एविडेंस नहीं है, केस आपने एक साल से ज़्यादा का वक्त हो गया आपने लोगों पर केसेस चलाए हुए हैं, बारी बारी लोगों को या तो जमानतें मिल रही हैं
या लोग बरी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वीक एविडेंस के बेसिस पर ये केसेस बने थे। अगर वीक एविडेंस के केसेस पर ये बेसिस पर ये केसेस बने थे तो आप कौन जवाब तलबी करेगा प्रोसिक्यूशन से, क्योंकि मुझे पूरा नैरेटिव है कि 9 मई को एक मखसूस सियासी जमात ने मास्टरमाइंड करके मुल्क की रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाया। वो नैरेटिव माजत के साथ लेकिन कमजोर पड़ता जा रहा है, क्योंकि अदालतों से धड़ाधड़ या तो जैसे मैंने कहा कि जमानतें मिल रही हैं या फिर लोग बरी होते चले जा रहे हैं, कन्विक्शन जो है वो खत्म हो रही हैं। तो आई थिंक कि इट्स अबाउट टाइम कि इसके ऊपर बैठ के सोचा जाए। कल भी जो फॉर्मेशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर ये बात दोबारा असर्ट की गई कि 9 मई के लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साथ ही हम देखते हैं कि वो मजीद दो मुकदमात में बरी हो जाते हैं, तो फिर कमजोरी किसकी है? इट्स अबाउट टाइम कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। और आखिर में मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में बात कर चुकी हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर साहब काबिले एहतराम है दोनों हमारे लिए बहुत। उन लोगों ने ऐसा लगता है कि डीआई खान की लोकल पॉलिटिक्स जो है वो स्टार्ट की हुई और बनाई हुई है, और वो भूल गए कि वो सूबे को अपनी अपनी कैपेसिटी में हेड कर रहे हैं। एक रियासत के नुमाइंदे हैं, एक जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, वो भूल जाते हैं जब वो इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं। अली अमीन गड्डापुर साहब का बड़ा दिलचस्प है, वो यहाँ पर आते हैं, मोहसिन नकवी साहब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो बड़े अच्छे बच्चों की तरह वो कहते हैं जी कि बिल्कुल हमें सबके साथ मिलकर चलने की ज़रूरत है और सूबा और हमें कोऑर्डिनेशन में काम करने की ज़रूरत है और आपस के इख्तलाफात को भुलाने की ज़रूरत है। फिर वापस जाते हैं, फिर जाके फिर से बताते हैं कि जी एक बटन है जो मेरे पास है वो मैं दबाऊँगा तो पाकिस्तान भर की बिजली बंद हो जाएगी एंड व्हाटएवर, इस तरह की वो बातें करते हैं। उसके जवाब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने आज फरमाया है कि अगर उनके पास बटन है तो बटन तो एक मेरे पास भी है। अब वो कौन सा बटन है ये हम कहीं रब्ता करेंगे, पूछेंगे कुंडी साहब से कि वो किस बटन का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंडिकेशन तो फिर गवर्नर राज की तरफ ही जाती है। मैंने इंटरव्यू किया है कुंडी साहब का, मैंने उनसे पूछा ये सवाल, तो उन्होंने कहा जी कि ऐसा कुछ भी ऑन द कार्ड्स नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे एज अ पार्टी ऑल्सो एंड एज गवर्नर के पी के, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा कि जो लोग चाहते हैं कि उनको किसी किस्म की सियासी शहादत नसीब हो जाए ये कहने के वो काबिल हो जाए कि जी देखें इन्होंने हमें विक्टिमाइज़ किया, गवर्नर राज लगाया, मैं उनको ये सियासी शहादत नहीं नसीब होने दूँगा। लेकिन आज फिर आप किसी बटन का हवाला दे रहे हैं तो वो कौन सा बटन है? मैं कोशिश करूंगी कि अगले व्लॉग से पहले मैं उनसे इस चीज़ की थोड़ी सी वजाहत ले लूँ ताकि आप तक पहुंचा सकूँ इस बात को। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे कॉन्टेंट को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।